एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहां पे लास्ट पार्ट एंड हुआ था, जहां नैन हान को काफी ढूंढ रही होती है। वहीं दूसरी तरफ से हान रोड के दूसरे साइड से नैन को देख रहा होता है। हान इस वक्त काफी गुस्से में होता है, इसीलिए वो ड्रिंक करने क्लब आ जाता है। लेकिन यहां पर भी रोमे के साथ हान की लड़ाई हो जाती है, जहां रोमे हान को कहता है, अगर तुम उस समय खेल से संन्यास नहीं लेते तो आज हम सब वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीत चुके होते। तभी वहाँ पर संभा आता है और बोलता है, क्या तुम दोनों अकेले अकेले पीना चाहते हो? संभा वहाँ बैठता है तो देखता है दोनों में से कोई कुछ भी नहीं बोलता है कि तभी हान यहाँ से उठकर चला जाता है और ग्रैंडपा को लेने नैन के घर आता है कि तभी अचानक से नैन हान की गाड़ी के सामने आ जाती है और हान के साथ गाड़ी में बैठने आती है कि तभी हान गाड़ी को अंदर से लॉक कर लेता है। ये देख कर नैन गाड़ी के दूसरी साइड जा रही होती है कि तभी हान गाड़ी को पीछे करता है, जिससे नैन काफी जोर से चीखती है। नैन की चीख सुनकर हान काफी घबरा जाता है और नैन को देखने गाड़ी से बाहर निकलता है तो देखता है नैन ठीक होती है और वो गाड़ी के अंदर जाके बैठ जाती है। तो हान भी गाड़ी के अंदर आता है, जहां नैन हान को बोलती है, तुम मुझसे क्यों छुप रहे हो? क्या मेरी माँ ने तुम्हें कुछ कहा? जिस पर हान कहता है, घर के अंदर जाओ, मेरा मूड खराब है, मैं अभी और बहस नहीं करना चाहता। हान गाड़ी का डोर खोल देता है, लेकिन हान का ऐसा बिहेव देखकर नैन को अभी कुछ भी समझ नहीं आता है। वो घर के अंदर चली जाती है, लेकिन हान अभी काफी परेशान होता है। इधर नैन की माँ नैन के फादर से कहती है, मैंने आज हान को बोल दिया था कि तुम नैन से दूर रहो, क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? ये सुनकर नैन के फादर कहता है, बिल्कुल नहीं, इस फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। इधर हान अपने ग्रैंड पा को नैन के घर से लेकर आ गया होता है, जहाँ पे ग्रैंड पा हान को कहता है, मैंने आज नैन की माँ से बात की, वो शायद तुम्हें पसंद नहीं करती है तुम्हारे इस गुस्सेल बिहेव के कारण। आखिर इतना पैसा कमा के क्या करोगे जब तुम्हारी फैमिली ही नहीं होगी? तो हान बात को टालते हुए कहता है, आप कौन सी मूवी देखना चाहेंगे? वो उठकर टीवी ऑन करने जाता है कि तभी वहाँ पर बू आ जाता है, जिसे देखकर हान कहता है, तुम ग्रैंडपा के साथ बैठकर फिल्म देखो। जिस पर बू कहता है, मुझे यहाँ फंसाकर तुम कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर हान कहता है, जरा जोर से बोलो ताकि ग्रैंडपा को भी तुम्हारी बात सुनाई दे। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। इधर नैन हान का कॉल या मैसेज आने का इंतजार कर रही होती है, तभी वॉचमैन आधी रात को वहाँ एक गाड़ी को खड़ा देखता है। जब वो ऊपर देखता है तो हान पेड़ पर चढ़ा होता है। उसे देखकर वॉचमैन कहता है, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे भी अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई? हान एक बार नैन को देखना चाह रहा होता है। वो लगातार नैन की विंडो की तरफ देख रहा होता है, लेकिन वॉचमैन के कहने पर वो डायरेक्ट पैर से नीचे कूद जाता है और गाड़ी में बैठकर यहाँ से चला जाता है और आते ही अपना सूटकेस लेकर यहाँ से जा रहा होता है कि तभी फेंग को देखकर कहता है, अरे तुम इतने जल्दी कैसे उठ गए? तो फेंग बोलता है, बॉस मेरा लेवल काफी गिर गया है, इसीलिए मैं कुछ कॉम्पिटिशन का वीडियो देख रहा हूँ। तो हान कहता है, ठीक है, मैं नॉर्वे हेड ऑफिस रिपोर्ट करने जा रहा हूँ, तुम टीम लीडर को बता देना, इस बार कंपटीशन में मैं शामिल नहीं हो पाऊंगा। ये बोलकर हान जा रहा होता है कि तभी फेंग कहता है, बॉस कंपटीशन के जजेस ने पहले ही आपके आने का अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसकी वजह से आपके फैन ने सारे टिकट को खरीद लिया है, फिर भी आप नहीं जाएंगे। ये सुनकर हान कहता है, तो क्या अब मुझे लोगों के हिसाब से काम करना पड़ेगा? ये बोलकर हान यहां से चला जाता है और टैक्सी रोककर नैन की घर की तरफ देख रहा होता है कि तभी नैन साइकिल लेकर बाहर आती है। उसे देखते ही हान ड्राइवर को जाने को बोलता है, पर नैन हान को नहीं देख पाती है। वो हान से मिलने उसके क्लब आती है, जिसे देखकर सान नैन के पास आके कहता है, भाभी क्या बॉस ने आपको नहीं बताया कि वो आज देश छोड़कर नॉर्वे जा रहे हैं? ये सुनकर नैन काफी अपसेट हो जाती है। इधर हान नॉर्वे आ जाता है और खाने पर अपनी माँ को बुलाता है। ये हान की स्टेप मदर होती है और आते ही हान से कहती है, तुम मेरे नेकलेस के पैसे कब तक दोगे? तो हान कहता है, मैं आपको पहले ही पैसे दे चुका हूँ, जिसकी वजह से मेरी पूरी सेविंग खत्म हो गई। ये सुनकर चा कहती है, क्या तुमने मेरा नेकलेस वो छोटी लड़की को दे दिया क्या? मुझे बू ने बताया, तुम चिंता मत करो। जिस पर हान कहता है, मैं तो हंस रहा हूँ। तभी चा हान को जबरदस्ती घर लेकर आ जाती है और बोलती है, ये सारे ज्वेलरी तुम्हारे डैड ने मुझे शादी के वक्त दिया था, तुम्हें जो पसंद है उसे तुम रख सकते हो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए। तो हान कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए और हाँ, कल मैं आपकी शादी में नहीं आऊंगा, मुझे डैड की जगह किसी और को देखकर जलन होगी। ये बोलकर हान अपने घर से चला जाता है और नॉर्वे के केके क्लब आता है, जहाँ पे वो केटी से बोलता है, मुझे $1,00,000 चाहिए, अगले महीने बोनस मिलते ही मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। तो केटी उठकर हान के पास आता है और कहता है, ठीक है ले लो, पर मुझे ये बताओ कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मुझे कब मिलवाओगे और तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? ये सुनकर हान कहता है, अपने पैसे अपने पास ही रखो। वो यहाँ से चला जाता है। इधर नैन सिया के साथ रेस्टोरेंट में होती है और सिया से कहती है, लगता है हान अपना फोन बंद कर लिया है,
या शायद अपना सिम को चेंज कर लिया है। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। इधर हान अपने होटल रूम में होता है और वहीं पे चाबी होती है, तो हान चा से कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, घर जाओ और जाके सो जाओ। तो चा कहती है मैं अपने बेटे के साथ बैठी हूँ। तो हान कहता है मैं कल तुम्हारे शादी में आऊंगा पर पार्टी में नहीं आऊंगा क्योंकि कल मुझे वापस जाना है। जिस पर चा कहती है ठीक है पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जो लड़की तुम्हारे दिल में है वो दिखती कैसी है, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने उसके साथ एक भी फोटो नहीं लिया। मैं तुमसे सिर्फ 10 साल की बड़ी हूँ और दूसरी बार शादी कर रही हूँ, तुम्हें भी अब शादी कर लेना चाहिए। ये सुनते ही हान यहाँ से उठकर चला जाता है। हान जब थोड़ी देर के बाद अपने रूम में आता है कि तभी चा दरवाजे के बाहर से एक फोटो को हान के रूम में भेज देती है। हान उसे जो ही उठाता है जिसमें लिखा होता है कि तुम कितने बार भी असफल क्यों ना हो, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। नेक्स्ट डे नैन को एक कॉल आता है जो उसके कॉलेज का गार्ड का होता है। ये सुनते ही नैन भागते हुए बाहर आती है तो देखती है लिटिल ए नैन के कॉलेज आई होती है। नैन लिटिल ए को अपने साथ अपने रूम में लेके आती है और बहुत ही प्यार से पूछती है तुम मुझे ढूंढने यहाँ क्यों आई हो। तो लिटिल ए बोलती है मेरी माँ मुझे डैड से दूर ले जाना चाहती है और मेरी माँ का बॉस हान है जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, इसीलिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये सुनते ही सिया नैन को बाहर लेके आती है और वांग को कॉल करती है जो काफी परेशान होता है। तो नैन बोलती है लिटिल ए बिल्कुल ठीक है और उसे आज रात मेरे पास ही रहने दीजिए, मैं कल खुद ही उसे सिटी ऐप के कंपटीशन में लेकर आ जाऊंगी। तो वांग बोलता है प्लीज उसका अच्छे से ख्याल रखना। लेकिन लिटिल ए सिया और नैन को रात भर काफी परेशान करती है। इधर रोमे के पास संभा आता है और बोलता है मैंने सुना कि अपने टीम में 2 नए मेंबर आने वाले हैं, इसका मतलब हम में से किसी एक को यहाँ से आउट किया जाएगा। जिस पर रोमे गुस्से से बोलता है इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन यहाँ से जाएगा, बस किसी भी हाल में हमें कल वो कॉम्पिटिशन जीतना है। रोमे संभा को नहीं बताता है कि वो मैं ही हूँ जिसे इस टीम से निकाला जा रहा है। नेक्स्ट डे नैन लिटिल ए को कॉम्पिटिशन में लेकर आ जाती है जहाँ एकिंग तीनों को VIP पास देती है, लेकिन लिटिल ए एकिंग को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। इधर हान भी वापस आ गया होता है, तभी ये तीनों अंदर आके बैठ जाती है। इधर रोमे कॉम्पिटिशन से पहले काफी शांत होके बैठा होता है और अनाउंसमेंट होते ही काफी जोर और जुनून के साथ स्टेज पे आ जाता है। तब तक कॉम्पिटिशन में हान भी पहुँच जाता है कि तभी लिटिल ए हान को देख लेती है और वो नैन को बता देती है। हान को देख कर नैन काफी खुश हो जाती है। तभी इधर कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे रोमी बहुत ही पेशेंस के साथ खेल रहा होता है और कॉम्पिटिशन जीत जाता है, जहाँ पे सबकी जवान पे बस रोमी का ही नाम होता है कि तभी रोमी अनाउंसमेंट करता है कि ये मेरा आखिरी खेल था, मैं अभी और इसी वक्त ये खेल से संन्यास ले रहा हूँ। ये सुनकर सभी काफी शॉक्ड हो जाता है, लेकिन सिया तो काफी रो रही होती है। ये सुनकर हान को काफी गुस्सा आता है और वो वांग के पीछे जाता है। हान को इतने गुस्से में देखकर एकिंग हान को लड़ने से रोक रही होती है, तो हान वांग से पूछता है किसने रोमी को रिटायर होने दिया। तो वांग कहता है आई एम रियली सॉरी, मैं वादा पूरा नहीं कर सका, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो। तभी वहाँ पे रोमी आ जाता है तो हान उसे कहता है तुम अभी के अभी के क्लब चलो, लेकिन रोमी हाँ छुरा लेता है और बोलता है मुझ में अब वो काबिलियत नहीं रही जो 10 साल पहले थी, इसीलिए अब तुम दोनों लड़ना बंद करो। ये कहकर रोमी यहाँ से चला जाता है। इधर हान भी काफी गुस्से में यहाँ से जा रहा होता है कि तभी उसके सामने नैन आ जाती है और कहती है क्या तुम्हारा मूड अभी भी खराब है, लेकिन हान बिना कुछ बोले चला जाता है। इधर वांग ये सब के कारण काफी परेशान होके अकेला बैठा होता है और लिटिल ए इधर वांग को ढूंढ रही होती है कि तभी वो वांग को देख लेती है और पास जाके बैठ जाती है और कहती है डैड आप इस तरह से नहीं रो सकते, आप SP क्लब के बॉस हैं। इधर हान के साथ नैन उसके क्लब आ जाती है तो हान नैन को बोलता है मुझे फॉलो करना बंद करो, ये कहकर वो अपने रूम में चला जाता है। तो नैन बाहर बैठकर हान का काफी देर तक इंतजार करती है, लेकिन वो अपने रूम से बाहर नहीं आता है तो नैन यहाँ से उठकर चली जाती है। नेक्स्ट डे रोमी एसपी क्लब में कुछ रिटायरमेंट डॉक्यूमेंट पूरा करने आया होता है कि तभी वांग उस डॉक्यूमेंट को फाड़ देता है और बोलता है हम भाई हैं और ये कागज हमारे बीच नहीं आ सकता है। ये सुनकर रोमी वांग को गले से लगा लेता है और इधर बाहर सिया उसका इंतजार कर रही होती है कि रोमी जो ही बाहर आता है तो सिया रोमी को देखते ही उसे हक कर लेती है और बोलती है मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। जिसके बाद ये तीनों के क्लब आता है और नैन अंदर जाके हान के पास आती है और बोलती है बाहर रोमी आया है, वो तुमसे मिलना चाहता है। तो हान बाहर आता है और रोमी से बोलता है तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। तो रोमी कहता है शायद हमने कहा था कि हम साथ ड्रिंक पर चलेंगे। नैन और सिया को लगा था कि ये दोनों मारपीट करेगा, लेकिन ये दोनों तो एक दूसरे को देखकर हंस रहा होता है। हान सबको लेकर ग्राउंड में आ जाता है और दोनों अपने अपने कपड़े उतार कर नैन और सिया को देता है और बोलता है 2 घंटे मेरा यही इंतजार करो। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ रनिंग करने लगता है। ये दोनों रोमी और हान का काफी घंटों से
इंतजार कर रही होती है कि तभी उधर से दोनों आता है और दोनों एक दूसरे की बुरी आदतों के बारे में बोल रहा होता है। ये सुनकर नैन और सिया हंस रही होती है, जिसे देखकर रोमी कहता है, तुम दोनों क्यों हंस रही हो, अब तुम्हें भी रनिंग करना होगा। रोमी जबरदस्ती दोनों को रनिंग पर ले जाने लगता है, लेकिन नैन तो नहीं जाती है, लेकिन वो सिया को अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद नैन हान के पास आती है और कहती है, तुम्हें ठंड लग रही होगी, अपना जैकेट पहन लो। लेकिन हान अभी भी नैन को इग्नोर करके चला जाता है। अब सब ड्रिंक कर रहा होता है कि तभी हान नैन को वाइन के बदले जूस पीने देता है, लेकिन ये दोनों काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, जिसकी वजह से रोमी की काफी जोर से तबीयत खराब हो जाती है कि तभी सिया भागकर उसे संभालने आती है। इधर नैन हान के साथ होती है और कहती है, तुम नॉर्वे गए और मुझे बताया भी नहीं। जिस पर हान कहता है, तुम्हें क्या बताता कि मैं नॉर्वे इंगेजमेंट करने जा रहा हूँ, वो लड़की काफी अच्छी है और हम जल्दी शादी करने वाले हैं। ये सुनते ही नैन काफी रोने लगती है, जिसे देखकर हान भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी नैन बोलती है, इसका मतलब तुमने मुझे कभी पसंद किया ही नहीं। तभी हान को नैन की माँ की बातें याद आता है, जहाँ वो हान को नैन से दूर रहने के लिए कही थी। जिस पर हान कहता है, तो तुम्हें अब समझ में आया, मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया, वो तुम्हें थी जो मेरे पीछे पड़ी थी। ये सुनते ही नैन यहाँ से उठकर चली जाती है। वो जा ही रही होती है कि तभी उधर से सिया रोमी को लेकर आ रही होती है और नैन को रोते देखकर उसके पास जाके पूछती है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। इधर से हान नैन को देख रहा होता है। सिया फिर से रोमी को संभालने जाती है तो नैन यहाँ से चली जाती है। नैन को जाते देखकर सिया फिर से नैन के पास जाती है और उसे पूछती है, तुम इतना रो क्यों रही हो। तो नैन बताती है, हान इंगेजमेंट करने नॉर्वे गया था, उसने कहा कि वो मुझे पसंद नहीं करता। इधर रोमी को काफी ज्यादा वोमिटिंग हो रही होती है, तभी हान उसे पूछता है, क्या तुम ठीक हो। तभी रोमी बाहर आता है और बोलता है, मेरा छोड़ो और नैन के बारे में सोचो, तुमने उसे आज क्या कहा कि वो आज इतनी ज्यादा रो रही थी। जिस पर हान कहता है, उसके मॉम डैड मुझे पसंद नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि मैं नैन से दूर हो जाऊं। इधर नैन सिया के साथ जा रही होती है, तभी नैन हान की गाड़ी को देखकर वहीं रुक जाती है और सिया से कहती है, वे दोनों काफी ड्रिंक कर लिया है, अगर नशे में ड्राइव करेगा तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हमें उसकी हेल्प कर देनी चाहिए। वे दोनों गाड़ी के पास ही रुक जाती है। तभी थोड़ी देर के बाद हान रोमी को लेकर आता है और उसे गाड़ी में बैठा कर नैन के पास आता है और कहता है, तुम दोनों अभी तक यहाँ से क्यों नहीं गई, मैं काफी नशे में हूँ, तुम्हें घर नहीं ले जा सकता। तो नैन कहती है, इसीलिए तो मैं यहाँ रुकी हूँ, ताकि तुम नशे में ड्राइव ना करो। जिस पर हान कहता है, इसका कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर नैन और ज्यादा रोने लगती है। तभी वहाँ पर सब्स्टिट्यूट ड्राइवर आता है, जिसे हान ने ही गाड़ी चलाने के लिए बुलाया होता है, लेकिन हान की बातें सुनकर नैन यहाँ से चली जाती है। तो सिया भागकर नैन के पास आती है और बोलती है, ये दोनों काफी नशे में है, अगर दोनों को कोई लूट लेगा तो क्या होगा। सिया नैन को ले जाकर गाड़ी में बैठा देती है और हान को भी नैन के पास ही बैठने को कहती है और बोलती है, एक मैं ही यहाँ हूँ जिसका अभी सबसे ज्यादा दिमाग चल रहा है। लेकिन नैन अभी भी काफी ज्यादा रो रही होती है। तभी रोमी सोते सोते नैन के कंधे पर ही अपना सर रख देता है। ये देखते ही हान तुरंत उसे हटा देता है, क्योंकि हान तो अभी भी नैन से काफी ज्यादा प्यार करता है। हान थोड़ी देर के बाद नैन को हॉस्टल लेके आ जाता है और नैन से कहता है, मेरे लिए ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी ने मैच मेकिंग पार्टी में बुलाया और मैं खुद को रोक नहीं पाया, इसलिए अब तुम्हें भी अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। ये बोलकर वो गाड़ी में बैठ जाता है और यहाँ से चला जाता है। जब वो अपने क्लब आता है तो उसे देखकर ग्रांट कहता है, बॉस फ्रैंक की माँ उसे हमेशा के लिए यहाँ से ले जाने आई है, इसीलिए वो सुबह से ही बैठकर आपके कमरे में रो रहा है। हान अपने रूम में आता है और फ्रैंक को देखकर कहता है, तुम रो क्यों रहे हो। तो फ्रैंक कहता है, बॉस मैं टूट गया, अब मुझ में हिम्मत नहीं है। ये सुनते ही हान गुस्से से उसे उठाते हुए बोलता है, तुमसे टूटा हुआ अभी एक और इंसान है जिसने 10 साल CTF को दिया, लेकिन अभी उसे मजबूर किया गया रिटायर होने के लिए, क्या ये बुरा नहीं है, अब रोना बंद करो। इधर फ्रैंक की माँ क्लब के सारे बच्चों को देख रही होती है कि तभी वहाँ पे ग्रांट और शान आता है और फ्रैंक की माँ को पटाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो ये दोनों को डांट कर भगा देती है। इधर हान काफी ड्रंक होने के कारण लेटा होता है कि तभी उसकी मेड उसे आके उठाती है और बोलती है, फ्रैंकी माँ तुम्हारा कब से इंतजार कर रही है। जिसके बाद हान सूट पहनकर फ्रैंकी माँ से मिलने आता है और बोलता है, हाय आंटी, मेरा नाम हान है और मैं केके क्लब का बॉस हूँ। फ्रैंकी माँ को हान डिनर पर लेके आता है, जहाँ पे फ्रैंकी माँ हान से कहती है, आप जो साइबर सिक्योरिटी का खेल बच्चों से करवाते हैं, क्या उसमें बच्चों का कोई फ्यूचर है। नहीं ना, इसीलिए मैं हमेशा के लिए फ्रैंक को अपने साथ ले जाने आई हूँ। जिस पर हान बोलता है,
में ये खेल पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने देश को वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब दिलवाने के लिए करवाता हूँ। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, फेंग के रिटायरमेंट के समय मैं इसे इतना पैसा दूंगा जितने में ये पूरी जिंदगी आराम से जी लेगा। मैं एक एग्रीमेंट पे साइन करके आपको दे दूंगा। ये सुनकर फेंग की माँ काफी खुश हो जाती है, लेकिन फेंग को इससे काफी हर्ट होता है। हाँ, जब अपने क्लब वापस आता है तो उसे देखकर शान कहता है, बॉस आप सूट में काफी हैंडसम लग रहे हैं। लेकिन हान उसे इस बार नहीं डांटता है और अंदर चला जाता है और जाते ही तुरंत गिर जाता है। आवाज सुनते ही ये दोनों अंदर आता है तो हान उसे बोलता है, अगर तुम दोनों के पास ज्यादा समय है तो जाकर सिर्फ कॉम्पिटिशन की प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट डे हान जिया के हस्बैंड को कॉल करता है जो बाथरूम में होता है और हान का कॉल आते ही काफी ज्यादा खुश हो जाता है। हान इसे मिलने के लिए रेस्टोरेंट बुलाता है, लेकिन जिया हान से काफी गुस्सा होती है और वो कहती है, आप मेरी फ्रेंड नैन से ब्रेकअप क्यों कर लिया। लेकिन हान कुछ जवाब नहीं देता है और एक लिफाफा निकाल कर वहाँ रख देता है जिसमें कुछ पैसे होता है। हान जिया को कहता है, नैन के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो, वो जो खाना चाहती है उसे खिलाओ, उसे खुश रखो। ये कहकर हान यहाँ से चला जाता है। ये बात जब नैन को पता चलता है कि हान ने उसे ब्रेकअप फीस दिया है, वो गुस्से से तुरंत हान के पास जा रही होती है और शान को कॉल करके पूछती है, तुम्हारा बॉस अभी कहाँ है। तो शान कहता है, हम सब अभी एयरपोर्ट पर हैं, क्वार्टर फाइनल के लिए बीजिंग जा रहे हैं। नैन तुरंत एयरपोर्ट पहुंच जाती है और हान के पास आके कहती है, मुझे तुमसे कुछ अकेले में बातें करनी है। तो हान उठकर बाहर आता है जहाँ पे नैन हान को कहती है, तुम मेरे पहले प्यार हो और तुम एक अच्छे इंसान भी हो, पर मुझे ये तुम्हारा ब्रेकअप फीस नहीं चाहिए। हान नैन को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करने का दिखावा करने लगता है और अपनी टीम को लेकर यहाँ से जा रहा होता है कि तभी शान से कहता है, नैन के लिए एक टैक्सी बुलाओ। तो शान नैन के पास जाके कहता है, चलिए भाभी बॉस ने आपके लिए एक टैक्सी नीचे बुलाई है। वो नैन को नीचे लेके आता है और नैन को टैक्सी के पास लेके आता है और बोलता है, मुझे फ्लाइट के लिए देर हो रही है। ये कहकर शान यहाँ से चला जाता है, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर से हान नैन को देख रहा होता है। थोड़ी देर के बाद हान बीजिंग आ जाता है जहाँ रेस्ट रूम में टेमो के साथ बैठता है। तभी टेमो हान से कहता है, मैं एक एल्बम सॉन्ग लॉन्च करने वाला हूँ, तो क्या आप हमारी पार्टी में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ सकते हैं। ये सुनकर हान को गुस्सा आता है और वो कहता है, अब हम एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे। तभी टेमो बोलता है, अगर आप उसे डेट नहीं कर रहे हैं तो मैं उसे डेट पर ले जाऊंगा। ये सुनते ही हान टेमो के पास आके कहता है, तुमने अभी क्या कहा कि तुम किसे डेट पर ले जाओगे। टेमो डर के मारे बोलता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तभी वहाँ पे शान आके कहता है, बॉस कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। तो हान यहाँ से चला जाता है। इधर ये तीनों बैठकर हान का क्वार्टर फाइनल कंपटीशन देख रहा होता है जहाँ पे हान जीत जाता है और रोमिका सिटियाप के प्रति इतना जुनून देखकर सिया रोमी से कहती है, तुम इस खेल के बारे में इतना जानते हो तो फिर वापस अपने गाँव क्यों जा रहे हो, यहीं पर रहकर सिटियाप के लिए किसी कंपनी में काम करो, वैसे भी तुम्हारे सारे फ्रेंड सिटियाप के लिए ही काम कर रहा है। तभी सिया और नैन मिलकर रोमी को मना लेती है, जिसके बाद रोमी एक घर को देखने आया होता है, लेकिन वो काफी कॉस्टली होता है। लेकिन रोमी सिया के कहने पर उस घर को किराए पे ले लेता है। अब ये दोनों बैठकर रेस्ट कर रहा होता है कि तभी सिया की बातें सुनकर रोमी उठ जाता है और सिया के करीब जाकर उसे बहुत ही प्यार से देखते हुए किस करना चाह रहा होता है कि तभी सिया अपनी आंखें खोल देती है। सिया काफी नर्वस हो जाती है और रोमी से बोलती है। सिया हॉस्टल आती है और बाहर से सबके सूखे कपड़े लेते आती है और नैन का मूड ऑफ देखकर वो उसे कवर्ड में कपड़े रखी रही होती है कि तभी हान का जैकेट देख लेती है और चुपके से उसका एक फोटो खींच लेती है और हान को भेज देती है और लिखती है, जिस चीज का कोई कीमत नहीं होता है उसे फेंक देना चाहिए। हान जब इसे देखता है तो काफी इमोशनल हो जाता है। वो जब इमोशनल होता है तो वो एक कैंडी खाता है और काफी देर तक वही मॉल में इधर से उधर घूमता रहता है और जब वापस आता है तो वो उसे देखकर बोलता है, आपने इतने सारे सामान क्यों खरीदे। तो हान कहता है, नैन के लिए गिफ्ट है। ये सुनकर वो हंसने लगता है और बोलता है, जब आप उससे प्यार करते हैं तो नेकलेस देते हैं और जब ब्रेकअप करते हैं तो गिफ्ट देते हैं। अगर आपके पास पैसा आ गया हो तो मुझे भी थोड़ा पैसा दे सकते हैं जो आपने मुझसे लिया था। ये सुनकर हान बातों को टाल देता है और बोलता है, क्या हम भाई नहीं है। ये सुनकर वो कहता है, कंजूस आदमी कहीं के। वो यहाँ से चला जाता है। हान अब वापस संघाई आ जाता है तो देखता है रोमी उससे मिलने आया होता है। हान रोमी को देखते ही कहता है, मैं तुमसे
रोमी ने तुम्हारे गांव जाने वाला था, तो रोमी बोलता है मैं यहीं पे एक मकान किराए पे लिया है और तुम्हें अपने घर पर इनवाइट करने आया हूँ। नेक्स्ट डे सिया और नैन रोमी की घर की साफ सफाई करने आई होती है कि तभी नैन को देखकर रोमी बोलता है तुम हान की बातों को अपने दिल पर मत लेना, वो कभी किसी लड़की से बात नहीं किया इसीलिए वो कुछ भी बोल देता है, लेकिन वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। जिस पर नैन कहती है वो मुझे कभी पसंद किया ही नहीं, तो रोमी कहता है अच्छा ठीक है छोड़ो ये सब बातों को, नीचे मेरे कुछ गेस्ट आए हैं, क्या तुम जाके डोर खोल सकती हो क्योंकि मेरा कैमरा बटन टूटा हुआ है। तो नैन कहती है हाँ बिल्कुल। वो नीचे जो ही आती है तो देखती है दरवाजे के बाहर हान खड़ा होता है। हान को देखकर नैन काफी नर्वस हो जाती है और वो उसे हाई करती है और जाके डोर खोलने की कोशिश कर ही रही होती है, लेकिन डोर उसे नहीं खुलता है। ये देखकर हान नैन को पीछे हटने का इशारा करता है, तभी हान तुरंत डोर को खोल देता है, जिस पर नैन हान को कहती है सॉरी मुझे लगा कि ये अंदर की ओर खुलता है। तभी वहाँ पर संभावी आ जाता है और नैन को काफी अजीब तरह से देखते हुए कहता है मेरी प्यारी भाभी आज अब कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये सुनकर हान गुस्से से ऊपर चला जाता है तो संभा नैन को कहता है उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो वो ऐसा ही है। ये बोलकर वो भी चला जाता है और नैन वहीं खड़े रहकर सबका इंतजार करने लगती है। इधर हान रोमी को एक लाल लिफाफा देता है जिसमें कुछ पैसे होता है। यहाँ सब मिलकर रोमी का फाइनेंशियल हेल्प करता है। तभी नैन वांग को लेकर आती है और वो भी रोमी को एक लाल लिफाफा देता है, तो रोमी सबको बैठने को बोलता है लेकिन वांग और हान अभी भी एक दूसरे से बातें नहीं करता है। तभी नैन हान के नजदीक जाके बैठ जाती है। उसी वक्त लिटिल ए नैन से कहती है तुमने मेरे डैड के बारे में क्या सोचा, क्या वो तुम्हें पसंद है। ये सुनते ही सभी हंसने लगता है और नैन काफी नर्वस हो जाती है और वो लिटिल ए को चुप कर देती है और रोमी से कहती है मैं सुपर मार्केट जा रही हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए मैं तुम्हारे लिए ला दूंगी। तो रोमी कहता है ठीक है मैं सामान का लिस्ट बना देता हूँ। वो इतने सारे सामान लिख देता है जिसे देखकर हान कहता है तुम उसे इतने सारे सामान मंगवाओगे, जिस पर रोमी बोलता है अच्छा ठीक है तो तुम उसके साथ चले जाओ। हान रोमी का सामान का लिस्ट लेकर जो ही यहाँ से नैन के साथ जाता है तो सब दोनों को देखने लगता है। अब ये दोनों सुपर मार्केट आ जाता है लेकिन यहाँ पर भी हान नैन से बातें नहीं करता है, तो नैन कहती है जो भी सामान लिस्ट में लिखा है यहाँ पर वो कुछ भी नहीं है, लेकिन हान कोई जवाब नहीं देता है। तो नैन जाकर पैड को देख रही होती है कि तभी उधर से हान आ जाता है। उसे देखते ही नैन जल्दी से पैड को रख देती है। हान बहुत सारा स्नैक्स लेके आया होता है और कहता है तुम्हें ये पसंद है ना, मैं तुम्हारा सामान ढूंढने में हेल्प करूंगा। हान अब सारा सामान लेके आ जाता है और सब ऊपर रखने लगता है कि तभी हान जाते समय नैन को कहता है ये मैं तुम्हारे लिए कुछ संघाई से लाया था। दोनों को बातें करते देखकर रोमी चुपके से सामान लेकर अंदर चला जाता है। हान नैन के चेहरे से अपना नजर ही नहीं हटा रहा होता है, तो नैन कहती है तुम जब चाहो खाना खाने ऊपर आ जाना। ये कहकर नैन चली जाती है, लेकिन हान नैन को एक पल भी नहीं भूल पा रहा होता है और नैन भी वही सीढ़ियों पे खड़ी होकर फिर से हान को देखती है। लेकिन हान को बार बार नैन की माँ की बातें याद आता है जिसकी वजह से वो नैन के करीब नहीं जा पाता है। अब सब रात को रोमी के घर पर ही डिनर कर रहा होता है कि तभी नैन कहती है सॉरी मुझे जाना है, आज मेरी फ्रेंड की माँ का सर्जरी है। ये कहकर नैन यहाँ से चली जाती है और जल्दी से हॉस्पिटल आती है, जहाँ युकी की माँ का काफी अच्छे से सर्जरी हो चुका होता है कि तभी हान भी हॉस्पिटल आता है और काउंटर पर जाकर ICU लीवर सर्जरी के बारे में पूछता है। अब ये दोनों साथ बैठा होता है कि तभी युकी नैन के नजदीक जाके बैठ जाता है और कहता है आज मैं पूरे दिन भूखा हूँ तो क्या तुम मेरे साथ खाना खाने जाओगी। तभी वहाँ पे अचानक से हान आ जाता है और युकी से कहता है तो चलो साथ खाते हैं। हान को देखकर युकी काफी घबरा जाता है और कहता है अरे आप नैन के बड़े भाई है ना। तो नैन कहती है नहीं ये मेरा भाई नहीं है। तो युकी बोलता है अच्छा मैं समझ गया आप नैन के अंकल है ना। ये सुनकर हान को और भी गुस्सा आता है। तभी युकी नैन का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है चलो खाना खाने चलते हैं। ये देखकर हान युकी से कहता है क्या तुम लड़कियों का हाथ पकड़कर उससे बातें करते हो, चलो मेरे पीछे आओ। अब ये तीनों खाना खाने आ जाता है जहाँ पे युकी नैन के साथ बैठी रहा होता है। तभी तुरंत हान वहाँ आकर बैठ जाता है। ये देखकर नैन को काफी अजीब लगता है और वो हान से बोलती है क्या तुम्हें आज क्लब नहीं जाना है, वहाँ पे बच्चे अकेले होंगे। जिस पर हान कहता है मैं अपने फ्रेंड को देखने आया हूँ, वो यहीं पे एडमिट है। तो नैन समझ जाती है कि हान यहाँ पे क्यों आया है। वो युकी से कहती है तुम अपनी माँ के पास जाओ, वहाँ पे किसी एक आदमी का रहना जरूरी है, मैं तुम्हारे लिए खाना पैक करवा के लेते आऊंगी। तभी युकी यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के सामने बैठ जाता है, जहाँ पे हान नैन को बोलता है मैं नॉर्वे अपने काम से गया था, मैंने एंगेजमेंट नहीं की, कुछ दिन पहले मेरी स्टेप मदर ने दूसरी
दूसरी शादी कर ली, अब मेरे फैमिली में सिर्फ मैं और मेरे ग्रैंडपा बचा है। ये सुनकर नैन कहती है, तुम हिम्मत मत हारो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। नैन को इस तरह से बोलते देखकर हान को काफी हंसी आ रही होती है, लेकिन हान नैन के सामने काफी कूल बना रहता है। अब ये दोनों साथ जा रहा होता है, जहाँ पे नैन की बातें सुन सुनकर हान मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। तभी वो नैन से कहता है, क्या हम हमेशा एक दूसरे से इसी तरह मिल सकते हैं? तो नैन कहती है, हाँ बिल्कुल, और ये हम दोनों के लिए एक खुशी का पल है। तभी वहाँ पर एक स्टैच्यू कुछ धुन बजाने लगता है। ये सुनकर दोनों वही मस्ती से झूमने लगता है। इधर रोमी के घर से सिया जा रही होती है, तो रोमी अचानक से बोलता है। ये सुनकर सिया काफी डर जाती है। तभी रोमी सिया के पास जाके कहता है, इतनी रात हो गई है, चलो मैं तुम्हारे हॉस्टल छोड़ देता हूँ। इधर हान अपने घर आता है तो ग्रैंडपा हान को कहता है, ये बिल्ली को अपने साथ ले जाओ, ये रात भर म्याऊं म्याऊं करती है। तो हान ग्रैंडपा के पास जाता है। ये देखकर ग्रैंडपा कहता है, ये बिल्ली को मुझसे दूर रखो। तो हान बार बार ग्रैंडपा को बिल्ली से डराने लगता है। हान को खुश देखकर ग्रैंडपा कहता है, क्या तुम आज फिर से जीते हो? तो हान कहता है, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। इधर एसपी क्लब में चेंग वांग से मिलने आती है और कहती है, मैं लिटिल ए को अपने साथ नॉर्वे ले जाना चाहती हूँ, तो मैं उसका पासपोर्ट बना लूँ। जिस पर वांग कहता है, अभी रुक जाओ, पहले मुझे लिटिल ए से बात करने दो। इधर लिटिल ए अपने जख्म पे दवाई लगा रही होती है और बाहर से वांग उसे आवाज लगा के बुला रहा होता है। तभी लिटिल ए बाहर आती है और बोलती है, मैं दवाई लगा रही थी। तभी वांग लिटिल ए से कहता है, एक पिता बच्चे की माँ की तुलना में उसका अच्छे से ख्याल नहीं रख सकता है। तो लिटिल ए कहती है, इसका मतलब आप चाहते हैं कि मैं अपनी माँ के साथ रहूं? तो वांग कहता है, यही तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। ये सुनते ही लिटिल ए अपने रूम में भाग जाती है और थोड़ी देर के बाद अपने डैड को बिजी देख कर चुपके से घर से निकल जाती है और फिर से नैन के पास उसके हॉस्टल आ जाती है। नैन उसे अंदर लेके आती है, लेकिन तभी नैन के हॉस्टल वांग और हान भी पहुंच जाता है कि तभी नैन वहां आती है और दोनों को हॉस्टल के अंदर लिटिल ए के पास लेके आती है। तभी वांग लिटिल ए से कहता है, आज मैं तुम्हें वो सारी बात बता दूंगा जो तुम्हें नहीं पता है। तभी हान नैन को बाहर लेके आता है और दोनों विंडो से अंदर देख रहा होता है कि तभी नैन बोलती है, बच्चे को पालना भी कितना मुश्किल काम है ना, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक अच्छी माँ बनूंगी। ये सुनकर हान कहता है, मुझे पता है। तभी लड़ाई की आवाज सुनकर दोनों जल्दी से भागकर अंदर आता है, जहाँ पे लिटिल ए वांग को कहती है, अगर आप मुझे पालना नहीं चाहते थे तो आपने मुझे अनाथ आश्रम क्यों नहीं भेज दिया? और गुस्से से अपनी कान की हियरिंग मशीन को भी निकाल कर फेंक देती है। वांग उसे काफी समझाता है लेकिन वो नहीं मानती है। तो नैन वांग को कहती है, कुछ दिनों के लिए लिटिल ए को यहीं रहने दीजिए। तभी वांग यहां से चला जाता है और दोनों बाहर आता है, जहां पे हान वांग के पास आके कहता है, तुम लिटिल ए के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? जिस पर वांग कहता है, वो एक लड़की है, जैसे ही वो बड़ी हो जाएगी मैं उसका हेल्प नहीं कर सकूंगा, लेकिन तुम ये नहीं समझोगे क्योंकि तुम एक पिता नहीं हो। ये बोलकर हान यहां से चला जाता है। तभी हान नैन की हेल्प से लिटिल ए को बाहर बुलवाता है। लिटिल ए सुन नहीं सकती है तो वो लिखकर बताता है, मैं तुम्हारे मॉम डैड के बारे में बताना चाहता हूँ। तो लिटिल ए कहती है, मेरे पास सुनने की मशीन नहीं है। जिस पर हान बोलता है, मुझे पता है तुम्हारे पास एक बैकअप हियरिंग मशीन है, अगर तुम सुनना चाहती हो तो उसे लेकर आओ। तो लिटिल ए कहती है, वो मेरे बैग में है। तो नैन तुरंत मशीन को लाने जाती है। अब ये तीनों साथ जा रहा होता है कि तभी हान रुक जाता है और नैन से कहता है, मुझे लिटिल ए से अकेले में बातें करनी है, तुम जाके कहीं पास में बैठ जाओ। तो नैन यहां से चली जाती है। ये देखकर लिटिल ए कहती है, पता नहीं नैन तुम्हें क्यों झेल रही है, अगर उसकी जगह मैं होती तो तुम्हें कब की छोड़कर भाग गई होती। जिस पर वांग कहता है, तुम बच्ची हो पर बातें बड़ी बड़ी करती हो। अब सुनो, तुम्हारी माँ भी पहले एक सीटीएफ प्लेयर थी और वहीं पे दोनों में प्यार हो गया और कुछ ही सालों में दोनों में ब्रेकअप हो गया, लेकिन 2 सालों के बाद चेंग अपनी गोद में तुम्हें लेकर आई। जब ये बात वांग को पता चला तो उसने चेंग से कहा, तुमने बच्चे के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो चेंग कहती है कि मुझे लगा कि मैं इसे अकेले ही पाल सकती हूँ, लेकिन मैं बहुत बीमार हो गई और अभी मेरे पास पैसे भी नहीं है। तभी वहाँ पर एकिंग आ जाती है और वांग को ले जाकर कहती है, क्या सबूत है कि ये बच्चा तुम्हारा है? क्या तुमने इसका डीएनए टेस्ट करवाया? तो वांग सबके सामने ही लिटिल ए को अपने गोद में उठा लेता है और बोलता है, ये मेरी बेटी है, जिसकी वजह से सोलो टीम टूट गया और वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने का सपना भी, इसीलिए मैं तुम्हारे डैड से नफरत करता हूँ क्योंकि उसने हम सब की बरसों की मेहनत एक पल में ही बर्बाद कर दिया। तभी वहाँ पर चेंग आ जाती है तो हान यहाँ से उठकर चला जाता है और नैन के पास आता है तो नैन उसे देखती भी नहीं, जिस पर हान नैन को कहता है, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? इधर ये दोनों बातें कर रही
होती है जहाँ पे चेंग लिटिले से पूछती है, क्या हियरिंग मशीन अंकल हान ने तुम्हें खरीद के दिया? तो लिटिले बोलती है, वो कंजूस आदमी को पहले से ही पता था कि मेरे पास एक बैकअप हियरिंग मशीन है, पर क्या आप मेरे डैड से प्यार नहीं करते थे? तो चेंग कहती है, तुम्हारे डैड मेरे पहले प्यार थे, लेकिन मेरी वजह से ही हम दोनों के बीच ब्रेकअप हुआ। इधर नैन हान के साथ होती है और कहती है, तुम वांग को बहुत पहले ही माफ कर चुके हो ना? जिस पर हान कहता है, तुम कितना ज्यादा बोलती हो, चुप हो जाओ। तो नैन कहती है, इसका मतलब तुम लोगों की एबिलिटी देखकर उसे रिवॉर्ड देते हो? जिस पर हान नैन के करीब जाकर कहता है, तो तुम्हें किस तरह का रिवॉर्ड मुझसे चाहिए? ये बोलकर वो हंसने लगता है। अब हान लिटिल ए को उसके घर लेके आता है और चेंग उसे घर के गेट तक छोड़ने आती है कि तभी लिटिल ए चेंग को हक कर लेती है और चेंग को अपनी माँ कहती है। जब वो घर के अंदर आती है तो वांग उसे देखते ही कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। तो लिटिल ए रोते हुए बोलती है, आपने मुझे पालने के लिए अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने का सपना तोड़ दिया, अब मैं आपको छोड़कर कभी नहीं भागूंगी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। इधर हान नैन को अपने घर लेके आता है तो ग्रैंडपा हान को कहता है, यहाँ बैठकर मैं अपने पसंद का फिल्म देखूंगा, तुम नैन को ऊपर अपने रूम में ले जाओ और कोई अच्छा सा फिल्म दिखाओ, इसी बहाने वो तुम्हारा रूम भी देख लेगी। तो हान नैन को ऊपर लेके जा रहा होता है और वो नैन को देख देख कर काफी हंस रहा होता है। हान नैन को अपने रूम में लेके आता है जिसे देख कर नैन सोचती है, ये तो एक आलीशान महल जैसा लग रहा है। और ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अगर ड्रामा एक्सप्लेन अच्छा लगा हो बस एक लाइक कर दे एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।